नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो लगभग मैं 2 हफ्ते के बाद बना रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था कि मैं 8-10 दिन अवेलेबल नहीं रहने वाला हूँ। मैं कहीं बाहर जाने वाला था और मैं गया भी था दोस्तों, उसके बाद मुझे कोरोना हुआ और उस चक्कर में मैं 8-10 दिन वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए सॉरी। ओके, तो अभी मैं ठीक हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी। अभी वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग आएगा, ओके, गला थोड़ा सा खराब था, अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए सॉरी। आज के वीडियो के अंदर हम वेव के ऊपर ही बात करने वाले हैं, वेव के प्रकार और उसके रिलेशंस फिबोनाची नंबर के साथ किस तरीके से मैच होते हैं ये समझने वाले हैं। आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आपको ये वीडियो की जो सीरीज है उसका पहला वीडियो देखना है, दूसरा वीडियो देखना है, सीक्वेंस से वीडियो देखने हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आपका टाइम खराब हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर यह वीडियो देखना है तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने पिछले 2-4 वीडियो के अंदर प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर ये निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा, बिल्कुल उस तरीके से निफ्टी ने ये लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पर फिर से करेक्शन आया है। मतलब हम जो एनालाइज कर रहे हैं उस तरीके से निफ्टी रिएक्शन दे रहा है। बहुत सारे व्यूअर ने मुझे मैसेज किए, कॉमेंट भी किए कि सर आप किस तरीके से पहले से ही प्रिडिक्शन करते हो। तो दोस्तों, हमने यहां पर ये प्रेडिक्शन किया था जब प्राइस इस लेवल के पास थी, ओके, और तब से लेके अभी तक 2.5 महीना हो चुका है दोस्तों, और अभी भी 2.5 महीना बाकी है और 2.5-3 महीने के बाद ही ये ब्रेकआउट आ सकता है। अगर अभी यहां पर एक ब्रेकआउट आता है दोस्तों आने वाले 2-4-6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, तो प्राइस ऊपर की तरफ टिक नहीं पाएगी, उसको नीचे आना ही आना है। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता है 500-400 पॉइंट प्राइस ऊपर जाएगी और फिर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को अपना टाइम बिताना है, प्रोसेस करनी है और प्रोसेस करने के बाद ही प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर प्राइस रैंडमली ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों तो हम ये समझ लेंगे कि ये डुप्लीकेट चाल है, ये डुप्लीकेट रैली है और हमें इस रैली के अंदर एंट्री नहीं करना है, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई 4 साल का बच्चा है दोस्तों और उस बच्चे को हमने अच्छा खाना खिलाया, प्रोटीन दे दिया, बहुत सारा अच्छा डाइट दे दिया और उसको हमने इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि ये 2 साल के अंदर 10 साल के बच्चे जैसा काम करे और उसके उम्र जैसा बन जाए, उसका दिमाग भी 10 साल के बच्चे जैसा बन जाए, तो दोस्तों वो 4 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे जैसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ओके। उसको जितना टाइम लगने वाला है उतना टाइम लगने ही वाला है, ओके। तो यहां पर भी प्राइस का टाइम अभी तक आया नहीं है दोस्तों और प्राइस को अभी भी 2.5-3 महीने लग सकते हैं ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए, ओके। तो ये हमारा एनालाइज यहां पर इस तरीके से ही है, यहां पर अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो ये मैं डिलीट करता हूं दोस्तों और चलते हैं पीपीटी के ऊपर, समझते हैं वेव के प्रकार। तो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा वेव के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला वाला जो प्रकार होता है दोस्तों मोनोवेव, मोनोवेव सबसे छोटी वाली वेव होती है, लेकिन कोई पैटर्न अगर बनता है दोस्तों तो सबसे पहले मोनोवेव बनती है, उसके बाद आगे वाली वेव बनती है, उसका नाम है पॉलीवेव, और उसके बाद मल्टीवेव बनती है और उसके बाद माइक्रोवेव बनती है दोस्तों। इस तरीके से 4 वेव बनती है और उसके बाद साइकिल चेंज होती है, ये भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। उसके बाद आपको ठीक तरीके से समझना है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हमने इतना ही सीखा है कि 5 पॉइंट बनने के बाद एक करेक्शन आता है, ओके। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट बने और 5 पॉइंट बनने के बाद एक वेव बनती है, इम्पल्सिव वेव, और उसके बाद एक 3 पॉइंट बनते हैं और ये 3 पॉइंट बनने के बाद एक करेक्टिव वेव बनती है, ये हमने अभी तक सीखा है, ओके। तो दोस्तों,
यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 पॉइंट बनने के बाद यहां पर करेक्शन आया है। इस तरीके से फिर से प्राइस नीचे की तरफ गई है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो ये ए बी सी क्या है? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बोल रहा था कि ये अप ट्रेंड वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमें डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना है, अप ट्रेंड का करेक्शन है। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर मैं एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब 5 पॉइंट बनते हैं तब करेक्शन आता है, यहां पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। और जब यहां पर 5वां पॉइंट बनता है दोस्तों, ये पॉलीवेव है, ये पॉलीवेव का 5वां पॉइंट बनता है, तब यहां पर करेक्शन आता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है। पॉलीवेव क्या होती है, मोनोवेव क्या होती है, वो सब मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। फिलहाल आपको याद रखना है जब 5वां पॉइंट बनता है तब करेक्शन आता है, ये मैंने आपको क्लियर किया था। लेकिन यहां पर ये जो एबीसी दिख रहा है दोस्तों, तो ये एबीसी के अंदर भी, उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम के अंदर भी 5 पॉइंट बने होंगे, इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम का ये एबीसी पॉइंट बना है दोस्तों। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। जैसे कि ये बड़े वेव के 5 पॉइंट बनने के बाद यहां पर डाउन ट्रेंड चालू हुआ, वैसे ही यहां पर ये जो रोमन में 5 पॉइंट बने दोस्तों, तो उसके बाद ये एबीसी पॉइंट बना। तो ये एबीसी पॉइंट का टाइम अगर वन डे का है, मतलब ये वन डे का चार्ट है, तो आपको 60 मिनट के ऊपर 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे डाउन ट्रेंड के। ओके, तो ये एबीसी के अंदर भी, उसके छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे, और वो 5 पॉइंट मिलके यहां पर एबीसी पॉइंट बनता है। ये आपको यहां पर याद रखना है, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर यहां पर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो आपको फिर से देखना है, तो भी क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों, तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा जब हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखना चालू करेंगे तब। ओके, तो फिलहाल आपको ध्यान लगा कर देखना है, 2-3 बार वीडियो को देखना है, समझना है मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि मोनोवेव क्या होती है, पॉलीवेव क्या होती है, मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। तो ये है मोनोवेव दोस्तों, मोनोवेव इसको कहते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब करेक्शन वाले 3 वेव और अप ट्रेंड वाली 5 वेव, उसको हम मोनोवेव कहते हैं। और 5 और 3 मोनोवेव मिलाकर एक पॉलीवेव बनती है दोस्तों। मतलब हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर सीखा था कि अगर ये 5 रोमन पॉइंट बनते हैं दोस्तों, तब एक इम्पल्सिव वेव बनती है, और उसके बाद एक करेक्टिव वेव बनती है दोस्तों, तब यहाँ पर दूसरा पॉइंट बनता है, ये भी हमने सीखा था। तो ये जो इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्टिव वेव है, इसको हम पॉलीवेव कहते हैं दोस्तों। ये ऊपर जाने वाला वेव और ये नीचे जाने वाला वेव, ये पैटर्न को हम पॉलीवेव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ऊपर जाने वाली 5 वेव और नीचे आने वाली 3 वेव मिलाकर पॉलीवेव बनती है, सीधा सीधा है। ओके, अगर हम आगे जाते हैं दोस्तों, तो हमें अगले पेज के ऊपर मल्टी वेव दिख रही होगी, और ये मल्टी वेव कैसे बनती है, ये पॉलीवेव के 5 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद मल्टी वेव बनती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, और ये 5वां पॉइंट, यहाँ पर हमारी बन गई मल्टी वेव। ओके, तो ये पूरे वेव को हम मल्टी वेव कहेंगे। ओके, ये देखो इस तरीके से मल्टी वेव बनती है, और उसके बाद एक करेक्शन आता है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि ये ए बी सी डी जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम का ए बी सी डी है। अगर ये डेली का चार्ट है दोस्तों, तो डेली के चार्ट के नीचे वाला टाइम फ्रेम 60 मिनट के ऊपर जाते हो, तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। ओके, तो मल्टी वेव इस तरीके से बनती है, ये 5 पॉइंट बनने के बाद मल्टीवेव बनती है।
पॉलीवेव के 5 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद मल्टीवेव बनती है, इतना आपको याद रखना है ओके। तो उसके बाद अगर हम अगले वाले चार्ट के ऊपर जाते हैं दोस्तों, पॉलीवेव के जब 5 पॉइंट कंप्लीट बनते हैं दोस्तों, ये पॉलीवेव के 5 पॉइंट कंप्लीट बने उसको हमने मल्टीवेव नाम दिया, और उसके बाद मल्टीवेव के 5 पॉइंट मिलाकर एक माइक्रोवेव बनती है दोस्तों ओके। तो यहां पर आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना है, ये हो गया माइक्रोवेव का 0 पॉइंट और ये हो गया एक पॉइंट ओके। मतलब यहां पर एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है ओके, और इसके बाद फिर से ये माइक्रोवेव के 5 पॉइंट बनेंगे और फिर से करेक्शन आएगा। इस तरीके से ये वेव की साइकिल चलती है। मैंने सीधा सीधा आपको यहां पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है वीडियो, आपको ध्यान लगाकर देखना है और समझना है। अगर समझ में नहीं आया, 2-3 बार अगर वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ठीक तरीके से देखते हो दोस्तों, तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। मेरे पास ड्राइंग करने के लिए लिमिटेशन है दोस्तों ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से आपको ड्राइंग करके दिखाई है, इस तरीके से ड्राइंग बनती है। हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं ये मैंने क्यों ड्राइंग किया है ओके, आपको आगे समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप ठीक तरीके से देखते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको मोनोवेव कहते हैं। मोनोवेव कहाँ पर है ये देखो दोस्तों, ये मोनोवेव है। मतलब अभी यहाँ पर आपको ध्यान लगाकर सुनना है, मोनोवेव किसको कहते हैं, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, ये चार पॉइंट और ये 5 पॉइंट। मतलब ये मोनोवेव इस तरीके से बनती है और उसके बाद एक पॉलीवेव बनती है ओके। तो मोनोवेव के बाद पॉलीवेव बनती है, लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि अगर हम वेव साइकिल को प्रैक्टिकली काउंट करते हैं, अभी यहां पर हम वेव साइकिल को काउंट करने वाले हैं। साइकिल मतलब प्राइस एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे आई, ये हो गई हमारी साइकिल ओके। एक साइकिल कंप्लीट कर दी, तो किस तरीके से मार्केट अपने साइकिल कंप्लीट करता है ये मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं और उसके नंबर्स में आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर प्राइस ऊपर गई, सॉरी यहां पर प्राइस ऊपर गई और नीचे आ गई, मतलब ऊपर जाने वाली एक वेव और नीचे आने वाली एक वेव उसकी एक साइकिल हो गई। तो ऊपर जाने वाली जो वेव है दोस्तों उसको हमने इम्पल्शन नाम दे दिया, और नीचे आने वाली एक वेव है उसको हमने करेक्शन नाम दे दिया, और एक और एक बराबर 2 होते हैं और उसकी ये टोटल है दोस्तों ओके। अगर हम अगले चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको यहां पर पॉलीवेव दिख रही होगी, और पॉलीवेव के अंदर आपको कितनी वेव दिखती है दोस्तों, ये भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉलीवेव बनने के लिए 5 इंपल्सिव मोनोवेव की जरूरत होती है, 5 मोनोवेव की जरूरत होती है। तो हमने यहां पर 5 और यहां पर ये 3 वेव को यहां पर लिख दिया। ये करेक्शन वाला पार्ट है और ये इंपल्शन वाला पार्ट है दोस्तों। मतलब एक पॉलीवेव बनने के लिए 5 वेव की जरूरत होती है, मैंने आपको आगे क्लियर किया है, और उसकी टोटल होती है दोस्तों 8 ओके। अगर हम अगले चार्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं दोस्तों, तो ये माइक्रोवेव है। अगर पॉलीवेव के 5 पॉइंट बन जाते हैं तो एक माइक्रोवेव बनती है, ये मैंने आपको आगे क्लियर किया है। तो दोस्तों अगर आप ठीक तरीके से देखते हो, और ये माइक्रोवेव बनने के लिए कितने मोनोवेव की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21 मोनोवेव की जरूरत होती है, इम्पल्सिव मोनोवेव की जरूरत होती है, और ये करेक्टिव 13 की होती है दोस्तों ओके। ये करेक्शन और ये इम्पल्शन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा दोस्तों। तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ और काउंट करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ऊपर जाने वाला जो माइक्रोवेव है उसके अंदर कितने वेव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 दिख रहा है। मतलब एक माइक्रोवेव बनने के लिए 21
वेव की जरूरत होती है और उसके बाद फिर से करेक्शन आता है, तो करेक्शन वाले पार्ट के अंदर कितनी वेव होती है वो भी काउंट करते हैं। ये देखो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हो गया हमारा 13, ओके। और इसकी टोटल है दोस्तों 34, ओके। सीधा सीधा है, मैंने वो आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। और इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं और इस तरीके से काउंट करते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको काउंट नहीं करना है, मुझे आपको फिबोनाची नंबर के साथ इसके वेव के रिलेशन किस तरीके से आते हैं, दोनों के नंबर किस तरीके से मैच होते हैं ये दिखाना है, ओके। उसके बाद अगर हम आगे का काउंटिंग करते हैं दोस्तों, 89, 55 और 144 का साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो वो चार्ट बनाने के लिए मेरे पास लिमिटेशंस थे दोस्तों, यहाँ पर मैं ठीक तरीके से ड्राइंग नहीं कर सकता था। मैं आपको सीधा पिक्चर के ऊपर लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि ये नंबर किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्योंकि पीपीटी के ऊपर मेरे पास लिमिटेशंस थे दोस्तों, इसीलिए मैं ड्राइंग नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ये साइकिल आती है और ये साइकिल के अंदर आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं 89, 55 और उसकी टोटल 144। तो इस तरीके से 89 सभी वेव की टोटल है और इस तरीके से 55 नीचे जाने वाले सभी वेव की टोटल है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाते हो और फिबोनाची नंबर्स इस तरीके से सर्च करते हो तो आपको ये फिबोनाची नंबर की सीरीज इस तरीके से दिखाई देगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। और हमने जो नंबर यहाँ पर निकाले हैं वेव थ्योरी के अंदर से, तो ये सभी नंबर फिबोनाची नंबर से मैच होते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर फिबोनाची नंबर्स और वेव साइकिल के नंबर किस तरीके से मैच होते हैं यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। ये टोटल मैंने आपके सामने की है, ऐसा नहीं कि मेरे मन से मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये नंबर की टोटल करके बताई है दोस्तों। तो यही नंबर फिबोनाची के नंबर के साथ मैच होते हैं। अगर आपको ये पॉइंट मालूम नहीं था दोस्तों, मेरे तरफ से आपको ये पॉइंट मालूम हुआ है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कॉमेंट करना है दोस्तों। आपके कमेंट की वजह से एनर्जी आई है दोस्तों, ओके। तो अमेजिंग कंटेंट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट है, अभी तक यूट्यूब के ऊपर शायद ही किसी ने दिया होगा इतना डिटेल में। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, इतना डिटेल में किसी ने नहीं दिया है दोस्तों, ओके। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो और भी मैं डेडिकेशन के साथ और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। खाली आपको मुझे मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है दोस्तों। अगर हमने जो अभी सीखा है उसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं दोस्तों, तो आपके होश उड़ने वाले हैं। और मैं क्यों बोल रहा था कि निफ्टी के अंदर करेक्शन आने वाला है, ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, आपको यहाँ पर अभी समझ में आने वाला है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए और लाइक भी चाहिए दोस्तों, मेहनत लगती है ये सब ड्राइंग बनाने में। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है किसी ब्रोकर के पास, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है दोस्तों और मेरे साथ जुड़ना है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो आपको किसी के पास कोई भी प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खाली आपको अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज करना है कि सर मैंने अकाउंट ओपन किया है, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको प्राइस एक्शन सीखने के लिए, किसी के पास 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करने की जरूरत नहीं रहेगी, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम वीकली के चार्ट के ऊपर जाते हैं, ये देखो 1 वीक के चार्ट के ऊपर जाते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप ठीक तरीके से देखते हो तो ये निफ्टी का जीरो, ओके, ये 0.1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ,
ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और फिर से बाउंस आया जो हमने अभी सीखा। ओके तो हम जाते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर और आपको वन डे के चार्ट के ऊपर ठीक तरीके से समझ में आएगा। ओके तो 5 पॉइंट बनने के बाद साइकिल कंप्लीट होती है अगर अगर क्या ये करेक्शन माइक्रोवेव का है तो। ओके माइक्रोवेव के अंदर ही 5 पॉइंट बनते हैं ये भी आपको याद रखना है। अगर यहां पर माइक्रोवेव बनी है ये माइक्रोवेव है तो यहां पर 5 पॉइंट बनने चाहिए थे। और माइक्रोवेव कैसी बनती है ये मैंने आपको पीछे सिखा दिया है दोस्तों। जब मल्टीवेव के 5 पॉइंट बनते हैं तब माइक्रोवेव बनती है। ओके तो इस तरीके से यहां पर मल्टीवेव के 5 पॉइंट बने और उसके बाद ये करेक्शन आया दोस्तों। और जैसे ही ये करेक्शन आया तब कितने पॉइंट बने दोस्तों यहां पर 5 पॉइंट बने। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो मैं आपको बोल रहा था कि यहां पर करेक्शन आने वाला है और यहां पर एक करेक्शन अगर आता है तो यहां पर तुरंत ऊपर की तरफ रैंडमली बाउंस भी आएगा और वो तेजी से आएगा, यहाँ पर प्राइस टिक नहीं पाएगी। इस तरीके से मैं आपको पीछे के वीडियो के अंदर बोल रहा था, अगर आपने ठीक तरीके से देखा होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर ये पांचवी वो खत्म होने वाली है तो यहाँ पर एक तेजी से बाउंस आता है। उसकी कंडीशंस में मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक रैंडमली बाउंस आएगा और वो बाउंस आया भी है दोस्तों। यहाँ पर प्राइस टिक नहीं पाएगी ये भी मैंने आपको बोला था। अगर नहीं बोला था तो भी कमेंट के अंदर लिखो, अगर बोला था तो भी कमेंट के अंदर लिखो, ताकि जो नए व्यूअर हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं प्राइस इस तरीके से रिएक्शन देती है दोस्तों। ओके तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। ये देखो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आप जाते हो, हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये टूल से दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ पर इस तरीके से आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हो। ओके और उसके बाद नीचे वाली 5 काउंटिंग अगर हम करते हैं इस तरीके से, ओके तो ये साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गई और उसके बाद ये बाउंस आया है दोस्तों। आगे के वीडियो के अंदर पैटर्न कहां पर बनते हैं और किस तरीके से वहां पर मूवमेंट आती है, रिट्रेसमेंट किस तरीके से आती है, ये सब सीखने वाले हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब भी करना है। यहां पर ही रुकता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।